क्या आपको पता है यूके की नेशनल डिश कौन सी है? नहीं, वो ना फिश एंड चिप्स है, ना ब्लैक पुडिंग है और ना ही शेपर्ड्स पाई है। वो है चिकन टिक्का मसाला। बहुत कॉमनली वहां के जो लोकल्स इसे CTM भी कहलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी ओरिजिन के बारे में, इसको इन्वेंट किसने किया? अगर नहीं तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ। वेलकम टू फूड स्टोरीज विद शेफ GSK। चिकन टिक्का मसाला की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है, इसको इन्वेंट करने वाले बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स या कुछ लोग क्लेम करते हैं, कुछ फैमिलीज क्लेम करती है ग्लासगो की या स्कॉटलैंड की या यूके की, और कुछ क्लेम करते हैं दिल्ली के रेस्टोरेंट्स। लेकिन इसका अगर ओरिजिन जाना जाए तो दोनों साइड की स्टोरीज हम सुनेंगे। तो बहुत कॉमनली नोन है कि यूके में बहुत सारे इमिग्रेंट्स जाते हैं, स्पेशली जब ग्लासगो साइड आप देखेंगे जो स्कॉटलैंड में पड़ता है, तो वहां कहते हैं कि 60s में एक इमिग्रेंट जिनका नाम था अली अहमद असलम, ये एक शेफ थे वहां के रेस्टोरेंट के, और उन्होंने जब एक चिकन डिश सर्व की थी तो उसे वापस कस्टमर ने भेजा था किचन में, क्योंकि वो बहुत ड्राई लग रही थी कस्टमर को और बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल नहीं थी। तो स्टोरी के हिसाब से ये कहा जाता है कि उन्होंने एक ग्रेवी की डिश प्रिपेयर की कैन टमेटोज के साथ, कुछ मसालों के साथ और क्रीम के साथ, और फिर उसको मिक्स करके कस्टमर को सर्व की थी और उन्हें बहुत पसंद आई थी। लेकिन अगर आप फूड हिस्टोरियंस की माने तो ये कह सकते हैं कि साइमल्टेनियसली सेम टाइम फ्रेम में यूके में भी ये रेसिपी इन्वेंट हुई थी और इंडिया में भी, जो कि बहुत सारी रेस्टोरेंट दिल्ली साइड के क्लेम करते हैं। तो हिस्टोरियंस की माने तो दोनों साइड में साइमल्टेनियसली भी ये रेसिपी इन्वेंट हो जा सकती है। अब कोई भी स्टोरी को बिलीव कीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रेसिपी है ये हिट हो गई, कस्टमर्स को या गेस्ट को बहुत ज्यादा पसंद आई। जब लोगों को पसंद आती है कोई ग्रेवी या कोई रेसिपी तो ही वो मैटर करती है उसका ओरिजिन क्या होता है। लेकिन अब कोई भी ओरिजिन पे बिलीव कीजिए, कोई भी स्टोरी पे बिलीव कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी, और तब से ये रेसिपी सिग्नेचर डिश बन गई साउथ एशियन रेस्टोरेंट्स के लिए जो यूके और यूएस में ऑपरेट करते थे। ये 80s में या 80 के दशक में इतनी फेमस हो गई थी कि यूके में इसे प्री पैकेज सेल किया जाता था या बेचा जाता था सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स में। ये रेसिपी इतनी फेमस थी कि 2001 या 2001 में यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने भी अनाउंस किया था कि ये जो चिकन टिक्का मसाला है ये इतना डाइवर्स भी है फ्लेवर्स में, और ये भी मेंशन करता है कि यूके का कितनी अडैप्टेबिलिटी है दूसरे कल्चर्स को अडॉप्ट करना और एक्सेप्ट करना, कि ये यूके की नेशनल डिश मेंशन की गई थी। एक 2009 के स्टैटिस्टिक्स की माने तो यूके में अराउंड 2.5 बिलियन पाउंड ऑफ चिकन टिक्का मसाला हर साल सेल किया जाता है। और एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सारे करी हाउसेस है या जो सारे रेस्टोरेंट है जो चिकन टिक्का मसाला सेल करते हैं उन सबको अगर मिलाया जाए यूके में तो अराउंड 65,000 स्टाफ वो लोग एम्प्लॉय करते हैं।